आगे यहाँ पर आई थी और हमारा मिलना हो गया भाई साहब की होली है। थैंक यू सो मच। चलो भाई आपका तो चैनल किस नाम से? स्वीटी गोदारा का चैनल है भाई, उसमें शेयरिंग का बक्कर पैर दो और सब्सक्राइबर का दुम्मा डाल दो, तुम उतार दो, फतू उतार दो, दाम भी डाल दो, नट काट दो, हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल बक्कर पैर दो। हाँ जी स्वीटी गोदारा, आप ही हो? मैं छोटी सी यूट्यूबर। आप भी हो गए स्वीटी गोदारा? हाँ जी मैं। सच्ची पक्की बात है? सोई भेज दी। चलो स्वीटी गोदारा जी, क्या समस्या है? समस्या ये है बस कि 3-4 साल से यूट्यूब पे हूँ पर लोग वायरल नहीं हो रहे। सच्ची बताओ आपका यूट्यूब पे ही? हाँ यूट्यूब। और इंस्टा पे भी? इंस्टा पे है लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा यूट्यूब पे? फेसबुक पे? फेसबुक पे? फेसबुक पे भी नहीं। सिर्फ यूट्यूब पे स्वीटी गोदारा तो सर्च करो और इनको सब्सक्राइबर की मतलब थोक में मतलब है ना सब्सक्राइबर की तूड़ी उठा दो। थोड़ा थोड़ा सा चैनल चल जाए। गाना पड़ी इन्हें बताऊं गाने कौन सी 15-20 हजार सब्सक्राइबर। मैं सुबह अगर वीडियो डालती हूँ तो शाम तक 100 व्यू आते हैं। आप कितने कितने एक्सेप्ट कर सकते हो? कितने 1000 भी आ जाए, वो भी काफी है, वो भी काफी। भाई बना दो इनको ना 20,000 सब्सक्राइबर दे दो। और आज है ना ये मेरी किस्मत है शायद वायरल हो जाऊं क्योंकि ये यहाँ मुझे नहीं शायद। मेरा नाम बताओ भाई। देखो भाई देसी पत्रकार कर्मू। मुझे आपका नाम पता है लेकिन क्या नाम है बताएगा? कर्मू कर्मू थोड़ा सा। चलो बोलो देसी देख बिना ब्रेक रक्षाबंधन का गिफ्ट देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा ठेक लाइक शेयर पर गुट्ठा ठेक। चलो जय मां भाई मुझे बहुत है। आप बताओ, आपको तो खैर सभी जानते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो यहाँ ही आए हुए थे, बताओ भाई कुछ। बोलो देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे लाइक शेयर अंगूठा टेक बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चुनौती आते हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला किस तरह कर रहा होगा तो इन साल हम बात बेहतर कोई नहीं जान सकता क्योंकि उन आवाज की उन विषम परिस्थितियों में वो उस पहाड़ में पैर कह रही सलामत लिख रही है। तो आपके लिए काम की उससे कोई भी लड़की यदि कोई महिला इस लाइव को देखने लाइव खासकर लड़की थी क्योंकि चुनौती कोई मेल फीमेल नहीं थी, चुनौती चुनौती वाला तो आपके जीवन में चुनौती आई हो तो निशा लांबा आपकी कहानी शुरू करेगी। वह दर्दनाक कहानी जिस दौर से गुजर के निशा लांबा आज तक इस मुकाम तक पहुंची है जिसकी एक सक्सेस यार का इसको भी करूँ आपका यूट्यूब बना। थैंक यू भाई। तो बताओ कैसे शुरू से शुरू करूँ कैसे रुकावटें हैं कैसे जीतते हैं कैसे जीतती है? रुकावटें तो हर की लाइफ में आते हैं, बस मेरे से भी ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, मेरे तक मेरे माँ बाप का साथ था तो बस कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, माता रानी की दया करके रखे काम देती रहे और हम रोजी रोटी कमाते रहे। जब भी हम आगे काम करने की कोशिश करते हैं तो वो सब आती है, परेशानियाँ आती है, मेरे मेरे सबके जीवन में आती है। मेरी लाइफ जो मैंने स्टार्ट की थी वो 18 साल की उम्र से स्टार्ट किया था, जो काम करना स्टार्ट किया उसके बाद करते गए करते गए एक पर्सनल प्रॉब्लम भी आई पर प्रोफेशनली मुझे ज्यादा प्रॉब्लम थी। अच्छा प्रोफेशनली जो वर्क था उसमें पर्सनली जो चुनौतियां हैं जो दिक्कतें जो रुकावटें उसका कितने परसेंट डिस्टर्बेंस आपको लगी? देखो पर्सनली तो होता ही है ऐसा भी सिचुएशन में क्योंकि ना बेटर चेंज इज लाइफ चेंज परिवर्तन प्रकृति आपके जैसे ही परिवर्तन आते हैं तो विचार भी बदलते रहते हैं, कभी विचार पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो ऐसे मैं मुझे अपने आप से प्रॉब्लम मुझे किसी से प्रॉब्लम है मुझे खुद में अच्छी नहीं लगती मुझे अपने तो फ्रेंड्स मैंने जो है खेमू पत्रकार के साथ इंटरव्यू ली है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, आजकल लोग बहुत अच्छा है।